नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त में आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी महाराष्ट्र में सुपर हिट हुए भाजपा के एक हैं तो सेफ हैं के नारे की, झारखंड में भाजपा की गलती की और अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ जारी हुए अरेस्ट वारंट की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। दिल्ली में फिलहाल लागू रहेगा ग्राफ 4, वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट का फैसला। संबल हिंसा की होगी मजिस्ट्रेट जांच, बोले मुरादाबाद कमिश्नर। जेएनके कटरा में लोगों ने माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। संबल हिंसा को लेकर अखिलेश का राज्य सरकार पर निशाना, बोले ये पूरा दंगा सरकार ने कराया। आदित्य को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए ठाकुर गुट के विधिमंडल के नेता। हुड़दंगबाजी से संसद को नियंत्रित करने की कोशिश करने वालों को जनता ने नकारा, बोले पीएम मोदी। चुनाव खत्म होते ही जनता को झटका, मुंबई नोएडा गाजियाबाद में महंगी हुई सीएनजी। चांदी हुई सस्ती, सोने की कीमत में भी आई गिरावट, सस्ता होकर 76,698 रुपए पहुंचा सोना। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद सेंसेक्स फिर 80,000 पार, निफ्टी 24,200 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बार ज्यादातर हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला और बीजेपी ने एक है तो सेफ है का जो नारा दिया वो नारा महाराष्ट्र में सुपरहिट हो गया। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया उसका भी असर पड़ा, लेकिन उस दोनों में फर्क ये है कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है ये नेगेटिव नारा है, ये नकारात्मक नारा था, और एक है तो सेफ है ये सकारात्मक था और पॉजिटिव नारा था। महाराष्ट्र में कुल 22 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% से ज्यादा है और इन सीटों पर हिंदुओं के वोट बटने से बीजेपी ज्यादातर चुनाव में हार जाया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इन 22 सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 10 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन ने 11 सीटें जीती। सोचिए जिन जगहों पर मुस्लिम वोटर 25% से ज्यादा हैं, वहां भी बराबर की टक्कर है और इनमें भी भिवंडी पश्चिम सीट शामिल है। जिन सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, अंधेरी वेस्ट में 27% मुस्लिम वोटर्स, बैंड्रा वेस्ट में 23% मुस्लिम वोटर, वहां भी बीजेपी जीत गई। और बीजेपी की जीत इसलिए मिली क्योंकि इन सीटों पर हिंदू वोट एक हो गए, विभाजित नहीं हुए। इनमें अंधेरी वेस्ट सही सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक थे, जिनकी पिछले महीने हत्या हो गई थी और इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का नाम आया था। और सलमान खान भी इसी अंधेरी वेस्ट सीट के वोटर हैं, वो भी वोट डालने के लिए यहां पर आए थे लेकिन ये सीट भी वो हार गए। दूसरा ये कि जिन सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को ना के बराबर वोट मिले हैं और इस बार ऐसी 5 सीटों पर विपक्षी दलों को ही जीत मिली है। कुल मिलाकर इससे ये पता चलता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी मुसलमानों के वोट बटे हैं और उससे विपक्षी दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला रहा। पहले हम बात कर रहे थे हिंदू वोट जो वो हैं वो बंट रहे हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट भी बंट गए। खैर, महाराष्ट्र का विश्लेषण देख लिया आपने, लेकिन अब ये देखें कि बीजेपी झारखंड में जीता हुआ मैच कैसे हार गई और हेमंत सोरेन ने वहां कैसे शानदार वापसी कर ली। झारखंड में ना तो घुसपैठ का मुद्दा चला ना ही भ्रष्टाचार का। जेल से लौटे हेमंत सोरेन को आदिवासी वोटरों की पूरी सहानुभूति मिल गई और महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की मैया सम्मान योजना से महिलाओं के जबरदस्त वोट उनको मिल गए। बीजेपी के पास झारखंड में ना तो नेतृत्व था और ना कोई चेहरा था, और जो नेता भी थे वो अपनी आपसी लड़ाई में व्यस्त रहे और विपक्षियों ने मिलकर बीजेपी को ये जीता हुआ मैच हरवा दिया। बीजेपी को इसकी विवेचना जरूर करनी चाहिए, झारखंड में वो इतना आसान जीता हुआ मैच कैसे हार गए। झारखंड में हेमंत सोरेन के गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीती जो 2/3 बहुमत से ज्यादा है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती, वहीं बीजेपी की सीटें 2019 से भी कम हो गई और उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन को 45% वोट मिले जो पिछली बार से 7% ज्यादा है। बीजेपी गठबंधन को 38% वोट मिले जो पिछली बार से 2% कम है। हालांकि ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से वोट शेयर के मामले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही है और उसे 33% से ज्यादा वोट मिले, जबकि जेएमएम को 23% और कांग्रेस को 15.5% वोट मिले। हेमंत सोरेन के खिलाफ एंट्री इनकम बेसी
भ्रष्टाचार के आरोप और लोगों की नाराजगी का बीजेपी कोई फायदा नहीं उठा पाई, जबकि हेमंत सोरेन को जेल जाने का पूरा फायदा मिला। सहानुभूति की लहर में आदिवासी उनके पक्ष में एकजुट हो गए और आदिवासी क्षेत्रों में लगभग बीजेपी का पूरा सफाया हो गया। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने की पुष्टि हो गई है। कल रात तक कोई कह रहा था कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हुआ है, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है। अमेरिका की अदालत ने इस अरेस्ट वारंट को 31 अक्टूबर 2024 को उस समय अनसील किया था जब न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ने इस मामले में कोर्ट को एक आवेदन दिया था। ये कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी अभियोग या मुकदमे के जरूरी दस्तावेजों को देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सौंप दिया जाता है और अदालत एक तरीके से ये घोषणा करती है कि आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस आदेश के बाद FBI गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लेगी या अमेरिका अब भारत से गौतम अडानी के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला है, वो तमाम लोग गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका में जब किसी आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट को अनसील किया जाता है तो उस आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसे अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है और अमेरिका में इस प्रक्रिया को अरेंजमेंट कहते हैं। ये प्रक्रिया काफ़ी हद तक भारत की अदालतों में चलने वाले ट्रायल की तरह ही होती है। अगर ये आरोप अमेरिका की अदालत में सही साबित होते हैं तो गौतम अडानी को 10 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा हो सकती है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो मौजूदा स्थिति में अमेरिका की सरकार भारत से गौतम अडानी के प्रत्यार्पण की मांग नहीं कर सकती, क्योंकि गौतम अडानी अभी इस मामले में सिर्फ आरोपी हैं और उन्हें अदालत ने दोषी नहीं माना है। अगर अदालत की सुनवाई में गौतम अडानी दोषी साबित होते हैं तो उन्हें इस फैसले के खिलाफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का विकल्प मिलेगा और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उनके खिलाफ शुरू हुआ ये पूरा मुकदमा खारिज हो जाएगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी करीब 2000 लोगों ने प्रोजेक्ट के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ। 22 नवंबर को शुरू हुए इस प्रोटेस्ट का सोमवार को 14 दिन था। ये प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। आज चौथे दिन प्रदर्शनकारियों के साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। बता दें कि भूपेंद्र पिछले कुछ सालों से वैष्णो देवी ट्रैक पर काम करने वाले मजदूरों के नेता भी हैं। प्रदर्शन पर उतरे मजदूरों को सोमवार को पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की, हालांकि उन्होंने पुलिस की बात नहीं सुनी। जब पुलिस ने उन्हें सख्ती के साथ हटाने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस प्रशासन के साथ CRPF 6 बटालियन भी मौके पर है और लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 12 किलोमीटर ट्रैक के साथ ताराकोटे मार्ग से सांझी छत के बीच 250 करोड़ रुपए की यात्री रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस योजना की घोषणा के बाद दुकानदारों, खच्चर और पालकी मालिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर को हुई थी। श्राइन बोर्ड के मुताबिक रोपवे परियोजना एक गेम चेंजर होगी, खासकर उन तीर्थ यात्रियों के लिए जिन्हें मंदिर तक यात्रा करना चुनौतीपूर्ण लगता है। ऐसे में प्रशासन इन प्रदर्शनकारियों को समझाने में सफल होती है या नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।